हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं गौरव और घर की आर्थिक स्थिति में खुद का भी हिस्सा शामिल हो इसीलिए 10 साल की उम्र में अखबार बेचने वाला एक बच्चा आगे जाकर इंडिया का सबसे पहला बैचलर प्रेसिडेंट बनता है। वेल यस, परिचय देना जरूरी है क्या? हम सभी जानते हैं, मैं बात कर रहा हूँ दुनिया के महान साइंटिस्ट डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी की, जिनकी बोली हुई हर एक बात दुनिया के लिए एक सीख है। लेकिन प्रेसिडेंट बनने का ये रास्ता इतना आसान उनके लिए नहीं था। एक मुस्लिम फैमिली से बिलोंग करने की वजह से उन्हें कई सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ा, लेकिन इन मुश्किलों में उन्होंने अपने पंख फैलाकर सक्सेस की उड़ान भर के दिखाई। सिर्फ सक्सेस की नहीं तो इंडिया के कई मिसाइल्स और प्रोजेक्ट की उड़ान का भी वो कारण बन सके। तो कैसे उन्होंने इन सारे हालातों का डट कर सामना किया और कैसे लोग उन्हें इंडिया का मिसाइल मैन कहकर पुकारने लगे, इन्हीं सारे सवालों के जवाब और APJ अब्दुल कलाम के जिंदगी के कुछ माइंड ब्लोइंग किस्से मैं आज आपको सुनाऊंगा इन टुडेज वेरियो टाइटल्ड बायोग्राफी ऑफ डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। इफ यू वॉन्ट टू शाइन लाइक सन, फर्स्ट बर्न लाइक सन। दुनिया को ये सिखाने वाले इस सूरज का जन्म 15 अक्टूबर 1931 में रामेश्वरम के एक तमिल मुस्लिम फैमिली में हुआ था। पेशे से उनके पिताजी जैनुल आबदीन एक नाव चलाने वाले थे जो हिंदू तीर्थ यात्रियों को रामेश्वरम की सैर कराते थे, और उनकी माँ आशी अम्मा एक हाउसवाइफ थी। वैसे तो उनका घर छोटा था लेकिन परिवार बड़ा था। घर में चार भाई और एक बहन थी जिनमें अब्दुल कलाम जी सबसे छोटे थे। अब जब परिवार बड़ा था तो घर में पैसे की समस्या होती रहती थी, इसीलिए घर की जमा पूंजी में खुद का हाथ देने के लिए अब्दुल कलाम ने केवल 10 साल की उम्र में पेपर बेचना शुरू कर दिया। लेकिन क्या ये सिर्फ एक ही रीजन था इस काम को करने का? वेल नहीं, उन्होंने इस काम को भी सोच समझ कर चुना था। बचपन से ही कलाम जी को नॉलेज गेन करने की बहुत भूख थी और इसीलिए कोई भी अखबार बेचने से पहले वो उस अखबार को पूरी तरह से पढ़ लेते थे। पर ऑफ कोर्स नॉलेज ढूंढने का ये रास्ता हमेशा से आसान नहीं था। एक गरीब मुस्लिम होने की वजह से उन्हें हमेशा कई डिफिकल्टीज का सामना करना पड़ा। उनमें से एक डिफिकल्टी तो उनके बचपन की है कि जब वो 5वीं कक्षा में थे तब वो उनके बेस्ट फ्रेंड रामनाथा शास्त्री, जो एक रुड़वाड़ी हिंदू ब्राह्मण फैमिली से बिलोंग करते थे, अब्दुल कलाम जी उनके साथ पहली बेंच पर बैठा करते थे। और एक दिन उनके स्कूल में एक नए टीचर आए और एक मुस्लिम को एक ब्राह्मण के साथ देखकर वो चौंक गए। उन्हें दोनों का एक साथ बैठना पसंद नहीं आया और उन्होंने कलाम जी को लास्ट बेंच पर बैठने के लिए कहा। लेकिन क्या उस लास्ट बेंच पर बैठना उन्हें जिंदगी में पीछे छोड़ने वाला था? नहीं, क्योंकि उन्होंने ये ठान ली कि लास्ट बेंच पर बैठकर वो दुनिया को बदल कर दिखाएंगे। और शायद इसीलिए वो हमेशा कहते थे कि द बेस्ट ब्रेन्स ऑफ द नेशन मे एक्चुअली बी फाउंड ऑन द लास्ट बेंचेस ऑफ द क्लासरूम। और ऐसे ही कई लाइफ लेसन जीते जी सीख कर अब्दुल कलाम आने वाली पीढ़ी के लिए छोड़ गए। लेकिन उनके लाइफ के ये लेसन और 2020 तक इंडिया को एक डेवलप्ड कंट्री बनाने का जो सपना था वो आने वाली पीढ़ी कहीं ना कहीं भूल रही है। एंड जस्ट इमेजिन, एक ऐसे इंसान जिनके पास इतना वेल्थ ऑफ नॉलेज था, उनके लाइफ लेसन को अगर आप भूलोगे आप अपनी जिंदगी में कितने पीछे जा रहे हो। सो नॉट टू वरी, आप वो सभी लाइफ लेसन से सीख ग्रहण कर सकते हो कुकू FM ऐप के जरिए। मैं बताऊंगा कैसे। यहां पर आपको डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जैसे ही कई और इंस्पिरेशनल और सक्सेसफुल लोगों के बायोग्राफीज मिलेंगे जिन्हें आप ऑडियो फॉर्मेट में सुन सकते हो अपने लाइफ में, अपने बिजी लाइफ में मल्टीटास्क करते हो। इसके साथ ही इसमें और भी जॉनर्स अवेलेबल है जैसे सेल्फ इंप्रूवमेंट, मोटिवेशन, नॉलेज, फाइनेंशियल एजुकेशन, हिस्ट्री, साइंस फिक्शन और भी बहुत बहुत कुछ, जो सब आप हिंदी लैंग्वेज जैसी रीजनल लैंग्वेज में भी सुन सकते हो। इंडिया के इस लीडिंग ऑडियो पॉडकास्टिंग प्लेटफॉर्म का सपना सिंपल है, इंडियंस को वो अनगिनत टॉपिक्स और सब्जेक्ट्स की नॉलेज ग्रहण करना पॉसिबल करवा पाना। और इसीलिए इनके पास 1000 घंटे से भी ज्यादा कंटेंट, एजुकेशनल कंटेंट की लाइब्रेरी मौजूद है। अब फ्रेंड्स, नॉर्मली आप इस ऐप का सब्सक्रिप्शन 1 ईयर का 399 रुपीस में खरीदोगे, बट क्योंकि आप एक गेट सेट फ्लाई फैमिली के मेंबर हो और गेट सेट फ्लाई और कुकू FM ने मिलकर इंडिया में नॉलेज को बढ़ाने की पार्टनरशिप ली है, इसीलिए अगर आप हमारा कोड गेट सेट 50 यूज करोगे तो आपको तुरंत 50% ऑफ मिलेगा, मतलब 199 रुपीस पर ईयर में इस नॉलेज बढ़ाओ प्लेटफॉर्म की मेंबरशिप। एंड दिस ट्रूली मे बी वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इन्वेस्टमेंट्स दैट यू विल मेक ऑन योरसेल्फ। सो क्लिक ऑन द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन एंड गो डाउनलोड नाउ, बिकॉज ओनली फॉर फर्स्ट 250 यूजर्स दिस कोड विल बी एक्टिव। अब फ्रेंड्स, एस्पेशली लास्ट बेंच पर बैठने वाले लोग, मैं आपको बताना चाहता हूँ अब्दुल कलाम के लाइफ की एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी। क्लास के उसी लास्ट बेंच पर बैठकर उन्होंने अपना एक गोल बनाया था, फाइटर पायलट बनाने का गोल, और ये गोल बना था उनके गुरु की वजह से। एक दिन उनके टीचर मिस्टर शिवा सुब्रमण्यम अय्यर उनकी कक्षा को चिड़िया कैसे उड़ती है वो सिखा रहे थे, लेकिन 25 मिनट तक समझाने के बाद भी किसी के पल्ले कुछ नहीं पड़ रहा था। और इस पर अय्यर जी ने एक सिंपल सा सोल्यूशन निकाला।
अगर थियोरेटिकली किसी को ना समझे तो उन्हें प्रैक्टिकली दिखाना पड़ेगा। और बस यही था सोल्यूशन। स्कूल खत्म होने के बाद वो सारे बच्चों को पासी के एक समुन्द्र किनारे ले गए और वहाँ उड़ते हुए पंछियों के लाइव डेमो दिखाकर उन्होंने बच्चों को चिड़ियों की टेल की पोजिशन से लेकर उनके पंखों के शेप तक सब कुछ समझाया। चिड़ियों की वो उड़ान कलाम जी के दिमाग में बैठ गई और उन्होंने तय कर लिया कि बड़े होकर वो फाइटर पायलट बनने जैसा बड़ा गोल हासिल करेंगे, क्योंकि उनका ये कहना था कि स्मॉल एम इज अ क्राइम, हैव अ ग्रेट एम। लेकिन अपना सपना पूरा करने की रेस में वो हार गए। वेल, हुआ ये कि अपने सपने को पूरा करने के लिए 1955 में उन्होंने मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में एरोस्पेस इंजीनियरिंग इस फील्ड में एडमिशन लिया। अब इंजीनियरिंग थी तो प्रोजेक्ट तो मिलेगा ही, सो उन्हें भी लो लेवल अटैक एयरक्राफ्ट बनाने का प्रोजेक्ट मिला। लेकिन सबमिशन के दिन जब उन्होंने अपना प्रोजेक्ट सबमिट किया तो प्रोफेसर को उनका ये मॉडल पसंद नहीं आया। उन्होंने कलाम जी को नया मॉडल बनाने के लिए कहा। अब अगर नया प्रोजेक्ट बनाना हो तो कम से कम एक मंथ तो लगेगा ही। ये सोचकर कलाम जी ने प्रोफेसर से एक महीने का समय मांगा। लेकिन क्या आज तक किसी की टीचर ने एक महीने का समय दिया है? मुझे तो नहीं मिला कभी जिंदगी में भाई। उनके प्रोफेसर ने इतने समय के लिए साफ मना कर दिया और कहा कि 3 दिन है तुम्हारे पास, सिर्फ 3 दिन, मुझे नया मॉडल बना कर दो वरना अपनी स्कॉलरशिप भूल जाओ। ये सुनते ही कलाम जी के होश उड़ गए। एंड क्या कम समय में ये प्रोजेक्ट को कंप्लीट करना कलाम जी को रोकने वाला था? नहीं, स्कॉलरशिप छीन जाने के डर से कलाम सर ने 3 दिन बिना सोए दिन रात इतनी मेहनत की कि जब 3 दिन बाद उन्होंने मॉडल पेश किया तो उनके प्रोफेसर चकित रह गए। उनके इस मेहनत पर प्रोफेसर ने उनसे एक बात कही, मुझे पता था कि 3 दिन में नया एयरक्राफ्ट बनाना पॉसिबल नहीं है, लेकिन स्कॉलरशिप छीन जाने की जुनून की वजह से तुमने इसे पॉसिबल किया। और इस इंसिडेंट से कलाम जी को एक बात समझ आ गई, टू सक्सीड इन योर मिशन यू मस्ट हैव सिंगल माइंडेड डिवोशन टू योर गोल। आखिर उनके इंजीनियरिंग खत्म होने के बाद अपना सपना पूरा करने का एक अवसर उन्हें इंटरव्यू के रूप में आया, जो था इंडियन एयरफोर्स ऑफ देहरादून इसका इंटरव्यू। लेकिन जैसे मैंने पहले कहा, उनका ये सपना अधूरा रह गया क्योंकि इस इंटरव्यू में 25 लोगों में से सिर्फ 8 लोगों को ही चुना गया। और पता है कलाम जी कौन सी पोजीशन पर थे? 9th। सिर्फ एक पोजीशन की वजह से उनका ये सपना सपना ही रह गया। ये इंसिडेंट उनके लिए एक बहुत बड़ी सीख थी, इसीलिए इस इंसिडेंट को कलाम जी ने अपनी माई जर्नी ट्रांसफॉर्मिंग ड्रीम्स इंटू एक्शन इस ऑटोबायोग्राफी में लिखा है, जिसकी सीख में वो कहते हैं, इट इज ओनली व्हेन वी आर फेस्ड विद फेलियर डू वी रियलाइज दैट दीज रिसोर्सेज वर ऑलवेज देयर विद इन अस, वी ओनली नीड टू फाइंड देम एंड मूव ऑन विद आवर लाइव्स। चाहे अपनी निजी उड़ान में वो पीछे रह गए हो, लेकिन उनके इस मंत्र की वजह से वो पूरे इंडिया को सक्सेस की उड़ान देने वाले थे। जब उनका इंडियन एयरफोर्स में सिलेक्शन नहीं हो पाया, तब उन्होंने 1958 में डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन कर लिया, DRDO। ज्वाइन करने के कुछ साल बाद ही उन्हें विक्रम साराभाई जी के इंडियन नेशनल कमिटी फॉर स्पेस रिसर्च इनकोस्पार में प्रमोट कर दिया गया, जहां पर उनका पहला मिशन था इंडिया के पहले रॉकेट की उड़ान भरना, क्योंकि उनका मानना था द कंट्री डजंट डिजर्व एनीथिंग लेस देन सक्सेस फ्रॉम अस। वैसे तो ये रॉकेट केरला के थुम्बा गांव से लॉन्च होने वाला था, लेकिन शुरुआती स्टेज पर होने के कारण इनकोस्पार के पास ना कोई वर्कशॉप था ना ही कोई रिसर्च फैसिलिटी। इस पर अब्दुल कलाम जी ने कहा, वी शुड नॉट गिव अप एंड वी शुड नॉट अलाउ द प्रॉब्लम टू डिफीट अस। और फिर क्या था, उन्होंने थुम्बा गांव के एक पुराने चर्च को अपना वर्कशॉप बना लिया और उसी चर्च के बिशप के घर को अपना ऑफिस बना लिया। और आखिर में जैसे तैसे करके उन्होंने रॉकेट को पूरी तरह से बना लिया। लेकिन यहाँ पर उनकी मुश्किलें खत्म नहीं हुई। रॉकेट के पार्ट्स को लॉन्च पैड तक लेके जाने के लिए उनके पास कोई साधन नहीं था, तो उन्होंने सारे पार्ट्स बैलगाड़ी और साइकिल के मदद से लॉन्च पैड तक पहुंचाया। इतने मुश्किलों के बाद 21 नवंबर 1963 में इस रॉकेट को लॉन्च करके इंडिया ने स्पेस की तरफ अपना पहला कदम रखा। लेकिन जिस इंसिडेंट से APJ अब्दुल कलाम जी का नाम मिसाइल मैन पड़ा, वो एक सक्सेस नहीं, वो एक फेलियर था। साल 1969 में कलाम जी इसरो में इंडिया के पहले सैटेलाइट प्रोजेक्ट सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल SLV के प्रोजेक्ट डायरेक्टर थे। 10 साल के खून पसीने की मेहनत के बाद उन्होंने इस रॉकेट को खड़ा किया। प्रोजेक्ट के समय 1976 में कलाम जी के पिता की मौत हो गई, और फिर भी वो अपने लक्ष्य से भटके नहीं। उन्होंने इस प्रोजेक्ट को निजी जिंदगी से ऊपर रखकर कंप्लीट किया। लेकिन जब अगस्त 1979 को इसे लॉन्च किया गया तो सेकेंड स्टेज में कुछ टेक्निकल इश्यूज की वजह से रॉकेट बंगाल की खाड़ी में गिर गया।
अब जब प्रोजेक्ट फेल हो चुका था तो सारे लोग उन पर सवाल उठाने लगे। तब प्रोफेसर सतीश धवन, जो उस समय इसरो के चेयरमैन थे, उन्होंने इस फेलियर का पूरा श्रेय खुद पर ले लिया। उनके इस लीडरशिप की तारीफ करते हुए कलाम जी हमेशा कहते हैं, लीडर मस्ट हैव अ विजन एंड पैशन एंड नॉट बी अफ्रेड ऑफ एनी प्रॉब्लम। इंस्टेड ही शुड नो हाउ टू डिफीट इट। मोस्ट इंपॉर्टेंटली ही मस्ट वर्क विथ इंटेग्रिटी। लीडर के इसी सीख को हथेली पर रखकर फेलियर के सिर्फ एक साल बाद ही उन्होंने नए सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल SLV-3 का निर्माण किया। आखिर 18 जुलाई 1980 में उन्होंने SLV-3 से रोहिणी 1 सैटेलाइट को लॉन्च किया, जिससे इंडिया सुपर एक्सक्लूसिव क्लब ऑफ स्पेस फेयरिंग नेशंस का 6th मेंबर बन गया। इस प्रोजेक्ट के बाद तो उन्होंने इंडिया के पहले इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि और पृथ्वी जैसे कई प्रोजेक्ट्स को सक्सेसफुली कंप्लीट किया, जिनकी वजह से उन्हें 1981 में पद्म भूषण और 1990 में पद्म विभूषण इन पुरस्कारों से नवाजा गया। लेकिन जिस काम के लिए उन्हें 1997 में भारत रत्न से नवाजा गया था वो था पोखरण 2। पोखरण 2 एक ऐसा न्यूक्लियर बॉम्ब टेस्टिंग प्रोग्राम था जिसमें इंडिया ने CIA के सैटेलाइट्स को चकमा देकर हमारे न्यू न्यूक्लियर बॉम्ब को टेस्ट किया था। इस प्रोग्राम के प्रोजेक्ट चीफ कोऑर्डिनेटर थे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, जिन्होंने जापान और USA के वार्निंग्स के बाद भी इस मिशन को चालू रखा बड़ी चतुराई से। अब आपने 3 Idiots का ये डायलॉग तो सुना ही होगा, सक्सेस के पीछे मत भागो, एक्सेलेंस का पीछा करो, सक्सेस झक मार के तुम्हारे पीछे आएगी। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है APJ अब्दुल कलाम। 41 ईयर्स तक भारत की सेवा करने के बाद जब 1999 में कलाम जी DRDO से रिटायर हुए, तब रिटायर होने के 3 साल बाद ही उनको भारत का प्रेसिडेंट बनने का प्रपोजल आया। अब ये हुआ कैसे? Well, मैं आपको बताता हूँ। रिटायर होने के बाद 2001 में कलाम सर अन्ना यूनिवर्सिटी में पढ़ने लगे। एक दिन लेक्चर लेने के लिए जब वो यूनिवर्सिटी पहुंचे तो उन्हें एक कॉल आया जिस पर उन्हें कहा गया कि प्राइम मिनिस्टर आपसे बात करना चाहते हैं। पर ये कॉल कोई मजाक नहीं था, क्योंकि कॉल पर उनसे बात करने वाले शख्स थे अटल बिहारी वाजपेयी, जिन्होंने कॉल उठाते ही कलाम जी से कहा, आपके लिए हमारे पास एक इम्पोर्टेंट न्यूज है, हमें ऐसा लगता है कि भारत को आप जैसे राष्ट्रपति की सख्त जरूरत है। और ये बात कलाम सर के लिए एकदम अविश्वसनीय थी, और इसीलिए उसका जवाब देने के लिए उन्होंने वाजपेयी जी से कहा कि मुझे बस 2 घंटों की मोहलत दीजिए। और उन 2 घंटों में उन्होंने विचार किया इंडिया को 2020 तक डेवलप करने का। वो ये सपना हमेशा से देख रहे थे, उस सपने को पूरा करने का ये सुनहरा अवसर था। और फिर 2 घंटे बाद उन्होंने जो जवाब दिया उससे 25 जुलाई 2002 में वो इंडिया के 11th राष्ट्रपति बन गए। राष्ट्रपति होने के बाद भी उन्होंने अपने टीचिंग के ड्रीम को नहीं छोड़ा था। उन्हें जब भी समय मिल जाता वो स्टूडेंट्स को पढ़ाने के लिए चले जाते थे। टीचर्स डे के एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा था, अगर लोग मुझे एक अच्छे शिक्षक के रूप में याद करते हैं तो ये मेरे लिए सबसे बड़ा सम्मान होगा। उन्हें टीचिंग के प्रोफेशन से इतना लगाव था कि आखिर तक उन्होंने अपने इस प्रोफेशन का हाथ नहीं छोड़ा, क्योंकि 27 जुलाई 2015 के दिन जब हार्ट अटैक की वजह से वो गिर गए, तभी भी वो शिलोंग के इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट में पढ़ाने के लिए ही आए थे। इतना ही नहीं, मरने के बाद उनके अंतिम संस्कार में भी 3,50,000 से ज्यादा लोग शामिल थे, जिससे पता चलता है कि वो सिर्फ मिसाइल मैन ही नहीं बल्कि पीपल्स प्रेसिडेंट, कलाम चाचा और इन जैसे कई रूपों में इंडियंस के दिल में बसे थे। अब भाई लोग आपकी बारी है, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की ऐसी कौन सी सीख आपके मन को इतनी भा गई कि उसे आप अपनी डेली लाइफ में इनकॉर्पोरेट करना चाहोगे, और इनके लाइफ के बारे में आपको सबसे ज्यादा इंस्पायरिंग कौन सी चीज लगी, इसका जवाब मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में देना। और हाँ फ्रेंड्स, जाने से पहले कुकू FM ऐप को डाउनलोड करना मत भूलना। फर्स्ट 250 लोगों के लिए GetSet50 कोड यूज करने पर उन्हें 199 rupees पर इस वेबसाइट की मेंबरशिप मिलेगी। GetSet50 कोड यूज करने पर 199 rupees में सालाना की मेंबरशिप मिलेगी इस ऐप की। So go hurry now. अगर इस वीडियो से आपको कुछ भी नया सीखने मिला तो एक लाइक जरूर ठोकना। अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स के साथ ये वीडियो शेयर करिए ताकि उन्हें भी ग्रेट इंडियंस के बारे में, उनकी लाइफ के बारे में अच्छी खासी जानकारी मिल सके। नए इस चैनल पर तो अभी सब्सक्राइब करो गेट सेट फ्लाई साइंस चैनल, क्योंकि ऐसे इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल वीडियोस आपका भी नॉलेज बढ़ाते रहेंगे। With that said, as always, friends, stay curious, keep learning, and keep growing. जय हिंद।